नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैन टाइम्स में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 10 मई 2022 को चकमा और हाजोंग को पंचायत राज में शामिल करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग समुदाय द्वारा एक जनहित याचिका दायर किया गया था, जिनको 10 मई 2022 को गुवाहाटी हाईकोर्ट ईटानगर बेंच ने खारिज कर दिया था। इस जजमेंट के खिलाफ लासित हाजोंग और अमल कुमार चकमा ने एक SLP दायर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस SLP को एक्सेप्ट किया है और साथ में हियरिंग के बाद आज नोटिस भी जारी किया है। हमारे साथ अभी लासित हाजोंग मौजूद है, जो कि पिटिशनर है इस SLP का। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका दैन टाइम्स में। नमस्कार जी। ये जो आज जो ये जो अपडेट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने SLP को जिस प्रकार से उसने एक्सेप्ट किया है, आपका पहला रिएक्शन, आप कितना खुश है इसको लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं तो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इंडिया की जो जुडिशरी सिस्टम है, उस जुडिशरी सिस्टम पर मैं पूरा भरोसा हूँ और हम हाजोंग चकमा लोगों को न्याय मिलेगा बोल के मैं पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भरोसा करता हूँ। इसीलिए हम लोग उसमें SLP दायर किया है, जिसमें हम लोग को न्याय मिलेगा और पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हुए मैं आस इतना ही कहना चाहूँगा। और आस जो भी हो, हम लोग पूरी राइट में है, हम लोग को अपना राइट जरूर मिलेगा बोल के मैं सोचते हूँ। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ लासित हाजोंग। आइए सुनते हैं सुहाज चकमा, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, उनका क्या कहना है इस केस को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग जो कम्युनिटी है उनको पंचायती राज एक्सटेंशन करने के लिए जो नोटिस इशू किया है, वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। मैं ये कहूँगा कि भारत में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे लोग स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन पंचायत उनका ऊपर एक्सटेंड नहीं किया गया हो। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो जजमेंट था, जो अनफॉर्चुनेटली चकमाओं का और हाजोंग का फेवर में नहीं गया, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में उसमें सुधारने के लिए एक ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये बात सच है कि अगर गुवाहाटी हाईकोर्ट का जजमेंट चकमा और हाजोंग का फेवर में आता, तब भी अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट और आपसू सुप्रीम कोर्ट में उस वर्डिक्ट को चैलेंज करता। तो क्योंकि अभी चकमा और हाजोंग का कम्युनिटी का फेवर में नहीं आया, उस कारण से चकमा और हाजोंग समुदाय का जो रिप्रेजेंटेटिव है सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल किया है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। चकमा और हाजोंग का जो कम्युनिटी है, दे हैव फुल फेथ इन जुडिशियरी। आज तक उनको जो भी अधिकार मिला है कल जुडिशियल प्रोसेस के माध्यम से मिला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि चकमा और हाजोंग समुदाय का राइट्स उस स्टेट में एज सिटीजन्स स्टाब्लिश करने के लिए है। और एज सिटीजन चकमा हाजोंग ऑलरेडी स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट देते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका चलते आप उनको पंचायत में वोट देने के लिए या उनका गाँव में पंचायत एक्सटेंशन रुकने के लिए कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू सेट द इशू स्ट्रेट।